नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया हुआ है, जिससे आप अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सके तथा सुखी रह सके। उन्होंने अपने जीवन में यदि आपको सुखी रहना है तो कुछ बातों को अगर आप ध्यान करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने बताया कि एक बुद्धिमान माता पिता को अपनी पुत्री का विवाह सदैव श्रेष्ठ परिवार में ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी यदि आप अपनी पुत्री का विवाह अच्छे परिवार में नहीं करेंगे तो आपकी पुत्री दुखी रहेगी और आप अपनी पुत्री के दुख को देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। हमेशा आपको लगेगा कि हमने कोई ना कोई ऐसी गलती कर दी जिससे कि हमारी पुत्री को दुख मिल रहा है। इसलिए जब भी अपनी पुत्री का विवाह करें, कोई श्रेष्ठ परिवार में ही करें। अपने पुत्र को या पुत्री को उत्तम शिक्षा और विद्या जरूर प्रदान करानी चाहिए तथा सतर्क रहना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आपने अपने पुत्र या पुत्री को उत्तम विद्या ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करी तो एक दिन वो अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति बनेगा, अच्छा ज्ञानवान पुत्र या पुत्री होगा। आपको लगेगा कि देख देख के कि मेरा बच्चा अच्छा है, पढ़ाई में ठीक है, तो वो जो सुख होता है उसका बयान किसी को नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार आप अपने शत्रु को किसी न किसी संकट में जरूर उलझाए रखिएगा और यही प्रयास करते रहिए कि आपका शत्रु जो है किसी न किसी चीज में उलझा रहे तथा अपने मित्र को उलझा रहे। यदि आपका शत्रु कहीं ना कहीं उलझा रहेगा तो उसका ध्यान आपकी तरफ से हटा रहेगा और आप निश्चिंत होकर अपने कार्य को कर सकेंगे। अतः उन्होंने कहा कि अपने शत्रु को किसी न किसी संकट में उलझाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका शत्रु तो उसमें उलझा रहेगा और आप आराम से सुखी पूर्वक रह सके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यदि आपका कोई मित्र है तो आपको अपने मित्र को हमेशा परोपकार या धर्म के कार्य करने की प्रेरणा देते रहना चाहिए। यदि आपका मित्र होगा वो परोपकारी होगा तो जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप पर भी वो परोपकार तो कर ही देगा। तो इसलिए अपने मित्र को हमेशा परोपकार या धर्म के कार्य करने की प्रेरणा देते रहना चाहिए और यही कार्य करना चाहिए, जिससे आपके मित्र लोग संकट में जो आपकी मित्र मंडली होगी उसमें आपके मित्र अच्छे होंगे, परोपकारी होंगे, धर्म का कार्य करने वाले होंगे, तो आपको भी वक्त बेवक्त जब जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ आ खड़े होंगे। इसलिए अपने मित्रों को हमेशा परोपकार या धर्म के कार्यों की प्रेरणा देते रहना चाहिए। अंततः वो कहते हैं, उपरोक्त इन सभी बातों पर नियम पूर्वक अटल रहने वाले मनुष्यों का जीवन हमेशा सुखी पूर्वक बीतता है तथा वह हमेशा सुखी रहते हैं। अतः आपको ये सभी बातें अपनानी चाहिए। यदि आचार्य चाणक्य की यह बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को या उनका जिनका आप भला चाहते हैं उन्हें आप यह शेयर कर दीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।